Hi guys, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में मैं आपके साथ परफ्यूम रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड द परफ्यूम दैट आई विल बी टॉकिंग टुडे इज़ फ्रॉम पेपे जीन्स लंडन एंड दिस वन इज़ कॉल्ड एज फॉर हर. ये एक ओदे परफ्यूम है एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे. सो लेट्स बिगिन. बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड नाउ लेट्स बिगिन. So as always, I'm going to start off with the packaging. It comes in this box and ये box के ऊपर थोड़े से square pattern बने हुए हैं which kind of like has an embossed effect, but it's not exactly embossed, it's a plain thing, but yeah, it has a pattern which kind of looks nice and it is glossy also and Pepe Jeans लिखा हुआ है. तो color combination थोड़ा सा ऐसे dull red color का है. More like a combination of orange to red ombre going on here. And पीछे की तरफ यहाँ पे एक sticker पे कुछ details mentioned है like pricing and all. And this one is priced for 24.99 rupees and this is 50 ml of EDP. चलिए open करते हैं. तो यहाँ box open करने पर this is how the product sits inside. So this is the bottom side of the perfume. Let me show you the bottle and then you'll understand. So this is how gorgeous this perfume bottle is. Honestly, मैंने इसके पहले notes देखे, notes के बाद bottle देखी and I was like, need to get it, need to have it. It was so beautiful and इतनी presentable, इतना beautiful, इतना unique design है इसका. I really hope like many brands come up with something so innovative which you can like easily keep it at your vanity. बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पे एक्चुअली ग्लास के ऊपर वो कट वर्क है जिसकी वजह से वो एक एम्बॉस्ड इफेक्ट आता है. सो दे हैव क्लियरली ट्राइड टू मैच द बॉटल एंड द आउटर पैकेजिंग विच इज़ सच अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग. ओवरऑल दिस गेट्स 100 out of 100 फॉर द पैकेजिंग. तो आप देख सकते हो ये काफ़ी एक कॉकटेल रिप्रेजेंटेशन है एंड दैट्स एग्जैक्टली रिप्रेजेंटिंग द नोट्स इन दिस. सो आई लव दैट इतना वेल थॉट पैकेजिंग है इसका, आउटर पैकेजिंग एक्चुअल परफ्यूम एंड इट ऑल्सो काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स व्हाट इट इज स्टैंडिंग फॉर. सो आई शेयर द नोट्स ब्रेक डाउन एंड व्हाट आई फील अबाउट दिस परफ्यूम जस्ट इन अ मिनट. आई जस्ट वॉन्ट टू टेक सम टाइम टू अप्रिशिएट दिस बॉटल. रोज गोल्ड की डिटेल्स हैं इसके ऊपर एंड एक्चुअली परफ्यूम यहाँ से ओपन हो रहा है विच इज़ सुपर इंटरेस्टिंग. एंड इसका जो एटोमाइजर है दैट इज़ ऑल्सो लाइक रोज गोल्ड इन कलर. अब मैं इसको स्प्रे करती हूँ. विल टॉक अबाउट व्हाट आई फील अबाउट दिस परफ्यूम एंड देन आई शेयर द नोट्स ब्रेक डाउन विथ यू. वाओ, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल स्मेल्स सुपर हाई एंड टू मी. लाइक इट इज वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट, स्टिकी, शुगरी, मार्शमेलोई, बूजी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. इट हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट बिटरनेस ऑफ आलमंड. इट हैज़ क्रीमीनेस, इट हैज़ मिल्कीनेस गोइंग ऑन, लॉट ऑफ स्वीटनेस ऑफ वेनिला एंड प्रॉब्ली शुगर इन इट. इट हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट मार्शमेलोई प्रेजेंस टू इट एंड बहुत ही बूजी फ्रेग्रेंस है ये. बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक बहुत ही स्वीट मार्शमेलो कॉकटेल पी रहे हो आप. रादर देन कॉकटेल इट्स मोर लाइक अ मॉकटेल दैट यू आर ड्रिंकिंग इज व्हाट आई फील. एंड दिस इज सच अ डिलाइट टू वेयर. मतलब ये इतनी स्वीट और इतनी गुरमोंड है ना. लाइक इफ़ यू आर इनटू गुरमोंड स्वीट परफ्यूम्स दिस इज़ अ मस्ट ट्राई इट फॉर यू. इसकी प्राइसिंग भी मुझे अच्छी लगी, प्रेजेंटेशन प्राइसिंग सब कुछ अच्छा है एंड दिस इज सुपर गिफ्टेबल. तो अब इसके नोट्स ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हैं. तो इसकी जो ओपनिंग है उसमें मार्शमेलो है. मतलब इट हैड टू बी, इट इज़ सच अ स्वीट मार्शमेलो फ्रेग्रेंस. तो इसके टॉप नोट्स में मार्शमेलो है, इट हैज़ टैंजरीन इन इट. टैंजरीन की वजह से एक ज़रा सा खट्टापन आता है बट ट्रस्ट मी वो नहीं उतना पता चलता कि टैंजरीन इसमें प्रेजेंट है बिकॉज द स्वीटनेस इज सुपर डोमिनेटिंग इन दिस. देन इट हैज़ आलमंड नोट टू इट. मैंने आपको पहले बोला था एक ज़रा सा बिटरनेस सा आता है इस फ्रेग्रेंस में, थोड़ा क्रीमीनेस भी आता है, बिल्कुल इतना सा नटीनेस भी आता है इसमें. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आलमंड एंड आलमंड मिल्क प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. एंड इसके जो मिड नोट्स हैं उसमें वोडका का नोट है एंड देर इज़ आलमंड मिल्क इन दिस एंड दैट इज़ वेयर द होल थिंग लाइक प्लस वेनिला. सो यू नो वॉट, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग
वॉडका एंड आलमंड मिल्क एट द मिडल नोट इज अ कंप्लीट माइंड ब्लोइंग सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. वॉडका मिक्स विथ आलमंड मिल्क, आई डोंट नो हाउ दे इवन केम अप विथ दिस, एंड इट इज मिक्स विथ वेनिला. दिस वन, दिस परफ्यूम नोट्स हैव सरप्राइज मी टू अनदर लेवल. मैं जब वैन आई लुकड इन टू इट एंड आई लुकड एट द ब्रेक्स द नोट्स ब्रेक डाउन, आई वॉज लाइक क्या है ये, इट्स क्रेजी. एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट इट इज़ लाइक. दिस इज सच अ गॉर्जियस क्रेजी स्वीट परफ्यूम. And the you know the presence of vodka note, I told you that this feels like a very boozy fragrance. बहुत prominent है वो, मतलब you can get that mocktail feel in this particular one. It just has that factor कि मैं इसको बस पीना चाहती हूँ, वो वैसा वाला factor आता है उसमें. So it has a good usage of vodka note in it and it has vanilla in the middle notes, जिसकी वजह से एक बहुत ही prominent sweetness है इसमें. And of course, almond milk is bringing out that creaminess and that slight bit of a that creaminess and that slight bit of a bitterness to this fragrance. I just keep smelling this one on me. I love this perfume so much. इसका जो base note है उसमें amber on musk है. Overall, there is no presence of any floral note in this. This is a pure gourmand fragrance, a sweet, boozy, vanillic kind of a fragrance. एंड दिस इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी. ये मेरे ऊपर करीब 6 से 7 घंटे चल जाता है. एंड अगर मैं एसी रूम में हूँ या मैं घर में ही इसको यूज़ कर रही हूँ, तब ये थोड़ा और लंबा चल जाता है. मुझे इसके थोड़े थोड़े विस्प आते रहते हैं पूरे दिन में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एकदम से प्रोजेक्टिव होकर बैठ जाता है. दिस इज़ नॉट अ वेरी प्रोजेक्टिंग काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. इट इज़ क्लोजर टू माई स्किन बट इट क्रिएट्स अ गुड परफ्यूम बबल अराउंड मी. एंड एक यू नो एक स्वीट विस्प आते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आते रहते हैं, आधे घंटे 1 घंटे में ऐसे ऐसे आते रहते हैं. एंड इट कीप्स रिमाइंडिंग यू दैट यू नो यू आर स्मेलिंग लाइक अ स्वीट बूजी मॉकटेल बेसिकली. एंड आई लव दैट फीलिंग, मतलब मुझे वो स्वीट विस्प बहुत ही अच्छा लगता है. इसका जो सियाज है, इट डज़ नॉट फिल द रूम. इट्स नॉट द काइंड ऑफ फ्रेगरेंस विच इज़ टू स्ट्रांग. बट हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तब ये स्ट्रांग लगता है, लेकिन धीरे 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 आगे चल के इट डज़ नॉट फील लाइक वे टू स्ट्रांग. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मीडियोकर इन ओवरऑल परफॉर्मेंस. तो लॉन्जिविटी, सियाज दोनों के ही मामले में एंड प्रोजेक्शन तीनों के ही मामले में, दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ मीडियोकर फ्रेगरेंस. बट हाँ, आप इसको थोड़ा सा लेयर करके, थोड़ा सा यू नो थोड़ा वेनिला के साथ लेयर करके या थोड़ा ओवर स्प्रे करके, आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो. कमिंग टू ओकेजन्स, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डे एज वेल एज नाइट टाइम फ्रेगरेंस. ये स्वीट है तो, पर उतना नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप दिन में नहीं लगा सकते. तो आप समर सीजन में भी इसको लगा सकते हो क्योंकि इट हैज़ अ ट्रॉपिकल फील टू इट. तो आप दिन में भी इसको लगा सकते हो, प्लस इसमें बहुत स्वीटनेस है, तो ये डेट नाइट्स के लिए बहुत परफेक्ट है. इट इज़ अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस एज वेल. सो थोड़ा ऐसा है कि आप ऑफिस में भी लगा सकते हो एंड यू कैन गो अ लिटिल ओवर बोर्ड, और आप डेट नाइट पे भी इसको कैरी ऑफ कर सकते हो. आई थिंक दिस यू कैन वेयर इन ऑल सीजन्स ऑल अराउंड द ईयर. बट हाँ, इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस निखर के आएगी इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में, विंटर सीजन में, बिकॉज स्वीट फ्रेगरेंसेज टेंड टू परफॉर्म बेटर इन कोल्डर टेम्परेचर्स या कोल्डर वेदर. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये थोड़ा उस टाइम पे ज़्यादा निखर के आएगा, ऐसा मुझे लगता है. बट दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू टू बी लाइक सिर्फ इवनिंग वेयर टाइप का परफ्यूम नहीं है ये, आप इसको दिन में भी इजीली पहन सकते हो. नाउ दिस इज़ अ वेरी स्वीट फ्रेगरेंस बट इट्स नॉट अ वेरी जुवेनाइल काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस. मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा एज रिस्ट्रिक्शन है. ये फ्रेगरेंस यूनिवर्सली फ्लैटरिंग है. इनफैक्ट मुझे थोड़ा लगता है कि सिंस इसमें वो वॉडका नोट का प्रेजेंस है, तो आई थिंक ये टीनेजर्स के लिए उतनी सूटेबल नहीं है, ओनली इफ़ यू सी द नोट्स, बिकॉज इट हैज़ दैट बूजी इफेक्ट इन इट. बट इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फ्रेगरेंस जो सब पहन सकते हैं. ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स नहीं पहन सकते, अडल्ट नहीं पहन सकते. आई थिंक एवरी वन कैन वेयर इट बिकॉज इट हैज़ दैट बूजीनेस, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ अ स्वीटनेस एंड दोज जुविनाइल नोट्स एज वेल. सो इट्स अ गुड मिक्स
and match of like kind of maturity meets immaturity kind of something. आई थिंक इट इज़ टोटली वर्थ द प्राइस. मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा परफॉर्मेंस के लिए इसका रेटिंग आई वॉन्ट टू गिव इट टू 9 out of 10. बट द पैकेजिंग इज़ अमेजिंग, द काइंड ऑफ फ्रेगरेंस दैट दिस इज़. इंडिया में मुझे ऐसे फ्रेगरेंसेज ज़्यादा नहीं मिले अभी तक. मेरे पास हार्डली कोई फ्रेगरेंस है जिसमें वॉड का नोट एक प्रोमिनेंट नोट प्ले कर रहा है. तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्रेगरेंस है एंड मुझे ओवरऑल इसको यूज़ करके बहुत अच्छा लगा. सो माई एक्सपीरियंस इज़ एब्सोल्युटली गुड विद दिस वन एंड दैट इज़ द रीज़न कि आई वॉन्ट टू हाईली रिकमेंड यू दिस वन. प्लस आई जस्ट लव द डिज़ाइन. सो दैट इज़ माई ओवरऑल टेक फॉर पेपे जीन्स लंडन फॉर हर. इसमें बहुत सारे और परफ्यूम्स भी निकले हैं सेम बॉटल में, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं. दिस इज़ द फर्स्ट वन इन द सीरीज. मुझे बाकी के परफ्यूम्स मिले नहीं किसी वेबसाइट पे. आई कुडंट फाइंड इट ऑन मिंत्रा, अमेजोन और नायका. बट मुझे इस परफ्यूम की सेंट प्रोफाइल इतनी ज़्यादा पसंद आई कि आई वॉज श्योर कि मुझे यही लेना है. इवन अगर दूसरे वेरियंट्स अवेलेबल होते भी तो भी मैं प्रॉबेबली यही वाला खरीदती, इज़ ऑल आई नो. मुझे लगता है प्राइस के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन टू स्वीट फ्रेगरेंसेज, डोंट शाई अवे फ्रॉम दिस परफ्यूम. यू शुड डेफिनेटली गेट दिस वन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दैट यू लाइक द रिव्यू. इफ़ यू डिड, हिट द थम्स अप बटन, हिट द लाइक बटन. प्लीज सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब, हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.